हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज की इस वीडियो में मैं फिर से उसी कार में, जैसे कि आपने पहली वीडियो देखी होगी कि हमने एंड्रॉयड ऑटो के ऊपर वीडियो बनाई थी कि आप उसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो होने वाली है कि आप एप्पल कार प्ले कैसे कनेक्ट करेंगे, कि जैसे अपना आईफोन होता है उसे कैसे कनेक्ट करेंगे भाई अपने इससे। सब में यही सिस्टम होता है, वो पूरी वीडियो वही रहने वाली है, बस इसमें फ़ोन का चेंज है कि भाई आप एप्पल कैसे कनेक्ट करेंगे। इसमें पहले तो अपने एंड्रॉयड ऑटो वाली थी, ये है एप्पल कार प्ले वाली। तो सबसे पहले आपको वही करना है, आपको ऑल मेन्यू पर जाना है, उसके बाद भाई आपको सेटिंग पर जाना है, यहाँ पे आप डिवाइस कनेक्शन देख सकते हैं, फिर ब्लूटूथ कनेक्शन पे आपको क्लिक करके ऐड न्यू करना है। उसके बाद भाई आपको अपने फ़ोन से करना है इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट, जो कि इससे कनेक्ट होने के बाद तभी भाई आप एप्पल कार प्ले कनेक्ट कर पाओगे, बिना ब्लूटूथ के नहीं होएगा। तो अभी इसमें आएगा भाई किया सोनेट का नाम, जैसे कि यहाँ पे किया सोनेट का नाम आ चुका है, देखो अपना ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है उसमें और इसमें भी। तो यहाँ पे हो चुका है भाई अब पेयर। पेयर होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ का सिस्टम आएगा, अलाउ करते ही आपका हो चुका है भाई एप्पल कार प्ले कनेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्पल कार प्ले के भाई सारी आ चुकी है नोटिफिकेशन, आप इसको यस करेंगे तो कनेक्टिंग एप्पल कार प्ले। उसके बाद भाई आपको करना है नेक्स्ट, तो यहाँ पे अपना एप्पल कार प्ले कनेक्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं आप सब कुछ भाई इधर चलने लग गया, मतलब कितनी फास्ट ये कनेक्ट हुआ है देख सकते हैं आप, और सब कुछ कितना सही से इसमें दिखा रहा है। तो इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें आपको सेटिंग में कोई चेंज नहीं करना भाई, पहले से इसमें सब सेटिंग हो ही रखी होती है, जिसमें एप्पल कार प्ले होता है जो ये सपोर्ट करता है उसमें ये अपने आप ही ऑप्शन दिखा देता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ही सब कुछ आ चुका है भाई। तो यहाँ पे अपना सब कुछ भाई देखो चल चुका है परफेक्टली, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सब कुछ, फ़ोन वगैरह सब कुछ अपना आ चुका है। उसके बाद भाई आप जैसे यहाँ पे वही किया का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जब आप सेटिंग्स में बैक जाओगे, उसके बाद फिर से आपको एप्पल कार प्ले यहाँ पे चला देना है। और ऐसे आप भाई व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो भाई आप वॉइस से भी इसको मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भाई आपको सब कुछ करना पड़ेगा विशाल, तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं विशाल लिखा आ गया है। हेलो योर व्हाट्सएप मैसेज टू विशाल सेज हेलो। तो भाई देख सकते हैं क्या मैसेज भाई सेंड हो चुका है, और मैं यहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप में दिखा देता हूँ। इधर हमने अपना व्हाट्सएप खोला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मैसेज सेंड हो चुका है विशाल को। और भाई यहाँ पे अपना देखो, जैसे किसी का फ़ोन कॉल भी आएगा तो उसका भी आपको फुल स्क्रीन पे पता लग जाएगा, इसे हम अभी कट कर देते हैं। उसके बाद भाई आपको अगर गाने वगैरह चलाने हैं तो हम यहीं से अपने स्पॉटिफाई से गाने वगैरह चला सकते हैं सारे, और इसमें बस नेट की दिक्कत है, बाकी आप अपना नेट हमेशा ऑन रखना, नेट आपका सही होना चाहिए, आपके सारे गाने चल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बस यही है भाई इसकी वीडियो, और भाई मतलब एप्पल कार प्ले इसमें बहुत अच्छे से रन करता है। तो आप ऐसे भाई मैसेज भी सेंड कर सकते हो यहाँ से भाई, स्पॉटिफाई से गाने वगैरह या कैलेंडर वगैरह सब देखने को मिल जाएगी। सेटिंग्स पे आप देख सकते हैं कि उतनी चीज़ें मिलेंगी भाई जितनी काम किया है, ये नहीं कि भाई मतलब कनेक्ट होगा तो पूरा फ़ोन ही चलने लग जाएगा, बाकी तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैसेज वगैरह अपने सब कुछ देखने को यहीं पर मिल जाते हैं, अपना म्यूजिक, और भाई ये सही से काम भी करता है। अभी थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, नहीं तो भाई मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ, यहीं से आप अपने गाने वगैरह भी चला सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप मतलब फुल स्पीड में वर्क कर रहा है भाई, जैसे कि हम चलाते हैं ना फोन में भी, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। तो कुछ ऐसे आपको कनेक्ट करना है, इसमें आपको कोई परमिशन की वो नहीं है, बस अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करें, उसके बाद एप्पल कार प्ले का अपने आप दिखा देगा जो कि सपोर्टेबल होगा उस स्क्रीन में, वो अपने आप आपको शो कर देगा। उसके बाद आपको बस सारी परमिशन ऑन करनी है, यस यस करते चले जाना, उसके बाद ऐसे कुछ आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पहले वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो तो उसे भी लाइक करें, और कमेंट में कुछ भी पूछना हो तो भाई जरूर पूछें। थैंक यू।